हाय हेलो नमस्कार, वेलकम टू मिस्टर वैभव भोसले प्रेजेंट नर्सिंग ज्ञान। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फर्स्ट एड फॉर स्नेक बाइट। पहले तो फर्स्ट एड की डेफिनेशन देखेंगे हम। इट डिफाइन एज अ मेडिकल हेल्प दैट यू गिव टू समबडी हु इज हर्ट और इल बिफोर द डॉक्टर अराइव्स। मतलब आप एक मेडिकल हेल्प देते हो प्राइमरी डॉक्टर आने से पहले, जिस पर्सन को थोड़ी बहुत इंजरी हुई है या थोड़ी सीवियर भी हुई है, तो उसको आप प्राइमरी लेवल पे हेल्प करते हो, ट्रीट करते हो, उसको बोलते हैं फर्स्ट एड। अभी हम देखेंगे फर्स्ट एड ऑफ स्नेक बाइट, मतलब स्नेक बाइट होने पर क्या क्या ट्रीटमेंट करते हैं, क्या क्या फर्स्ट एड करते हैं। पहले तो हम देखेंगे टाइप्स ऑफ स्नेक बाइट। मतलब दो तरह के स्नेक बाइट होते हैं, सांप काटते हैं ना। पहला तो है नॉन वेनमस और सेकंड है वेनमस। नॉन वेनमस मतलब नॉन पॉइजनस स्नेक रहते जी, जो सिर्फ काटते हैं और पॉइजन नहीं छोड़ते, और वेनमस मतलब पॉइजनस रहते, वो पॉइजन छोड़ते हैं हमारे बॉडी में, उसका जो रिजल्ट है वो डेथ भी होता है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि जहरीले सांप ने काटा है या बिना जहरीले सांप ने काटा है, तो हम देखेंगे उसके जो निशान है वो कैसे रहते हैं। नॉन वेनमस मतलब इट लीव्स टू रोज ऑफ टीथ मार्क्स। मतलब ये जो बिना जहरीला सांप है वो क्या करता है, अपने दांतों के डबल निशान छोड़ जाता है। आप इमेज में भी देख सकते हो डबल निशान है। और वेनमस मतलब पॉइजनस, ये क्या करता है, एक ही छोड़ता है। इट लीव्स वन क्लियर पंक्चर मार्क, मतलब एक ही पंक्चर मार्क एक ही दांत का छोड़ता है, सिंगल लाइन रहती है। आप इमेज में देख सकते हो इस तरह का ये जो मार्क है वो छोड़ता है। तो इससे हमको पता चलता है कि जहरीले सांप ने काटा है या बिना जहरीले सांप ने काटा है। अभी हम सिम्टम्स देखेंगे क्या क्या सिम्टम्स रहते जो बिना जहरीला सांप काटता है, तो उसके क्या क्या सिम्टम्स रहते हैं। थोड़े रहते हैं वो माइल्ड स्वेलिंग, मतलब उस जगह पे थोड़ी स्वेलिंग आती है। देन कलर चेंजेस ऑफ स्किन, स्किन का कलर थोड़ा चेंज होता है। एंड लाइट ब्लीडिंग, लाइट ब्लीडिंग मतलब थोड़ी सी ब्लीडिंग होती है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग नहीं होती। तो ये हुआ बिना जहरीला सांप काटने के बाद क्या क्या हमको सिम्टम्स दिखते। अभी हम देखेंगे जहरीला सांप काटने के बाद क्या क्या होता है ना। पहला तो होता है पेन एंड स्वेटिंग, मतलब उस जगह पे जहाँ पे काटा है उधर बहुत ज्यादा पेन होता है, और स्वेटिंग मतलब हमको बहुत पसीना आता है। सेकेंड जो है हेवी ब्लीडिंग, बहुत ज्यादा हमें उस जगह पे ब्लीडिंग होती है, ब्लड लॉस होता है। देन डिफिकल्ट ब्रीदिंग, हमको सांस लेने को तकलीफ होती है। देन नोशिया वोमिटिंग, मतलब थोड़ा उल्टी जैसा भी हमें फील होता है। एंड हेडेक एंड डिजीनेस, हेडेक मतलब सर दुखता है, और डिजीनेस मतलब थोड़ी चक्कर जैसी होती है। तो जो जहरीला सांप है वो काटता भी बहुत डेंजरस है, और वो सिम्टम्स भी बहुत सारे देखे जाता है हमें। तो ये हुए सिम्टम्स। अभी हम देखेंगे कौन कौन से सांप है जो जहरीले और बिना जहरीले है, तो उसके हम नाम देखेंगे। अब बिना जहरीले सांप कौन कौन से होते हैं वो देखेंगे हम। पहला तो है कॉमन वाटर स्नेक, नेक्स्ट है इंडियन पाइथन, देन बर्मीज पाइथन, देन कॉमन वुल्फ स्नेक, रेड सैंड बो एंड ईस्टर्न रैट स्नेक। ये बिना जहरीले, और जहरीले कौन से है, बूम स्लैंग, ईस्टर्न टाइगर स्नेक, रशियन स्वाइपर, सॉ स्केल्ड वाइपर, देन बैंडेड क्रेट, किंग कोबरा, ये बहुत जहरीला होता है, एंड इनलैंड टाइपन। ये जो लास्ट वाला है इनलैंड टाइपन, ये बहुत ज़्यादा जहरीला होता है, वो एक बाइट में 100 लोगों को मार देता है, मतलब डायरेक्टली लोग मर जाते, इतना जहरीला होता है ये। अब सांप काटने के बाद हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए वो देखेंगे, डूज एंड डोंट्स। पहले तो देखेंगे डूज, मतलब करना क्या है। पहले तो मूव पेशेंट्स अवे फ्रॉम स्नेक और डेंजर, पेशेंट को जो स्नेक है सांप है वो डेंजर से हटाना है, बाजू को रखना है। देन कीप पेशेंट काम, पेशेंट को शांत करना है ना। देन कॉल हेल्थ केयर और एम्बुलेंस, और इमिडिएटली हमें एम्बुलेंस को कॉल करना है। अप्लाई फर्स्ट एड टिल एम्बुलेंस अराइव्स, मतलब जब तक एम्बुलेंस आता नहीं तब तक आपको फर्स्ट एड करना है। अभी हम देखेंगे फर्स्ट एड करना क्या है, एग्जैक्टली करना क्या है। तो पहले ले और सिट डाउन पेशेंट इन अ न्यूट्रल पोजिशन ऑफ कम्फर्ट, मतलब पहले तो पेशेंट को अच्छे से बिठाना है, कम्फर्ट पोजिशन में बिठाना है। सेकेंड रिमूव रिंग्स एंड वॉचेस बिफोर स्वेलिंग स्टार्ट, मतलब जिस जगह पे काटा है उधर अगर बहुत टाइट कपड़े है, रिंग्स है, वॉचेस है, ज्वेलरी है, तो वो निकालनी है पहले तो। देन वॉश द बाइट विद द सोप एंड वाटर, वो जहाँ पे काटा है उसे नॉर्मली हमें सिर्फ पानी डाल के वॉश कर लेना है विद सोप एंड वाटर। देन कवर द बाइट विद द क्लीन और ड्राई ड्रेसिंग, मतलब वो बाइट जहाँ पे हुआ है वहाँ पे हमें ड्रेसिंग करना है थोड़ा सा।
Mark the leading edges of tenderness or swelling on the skin and write the time alongside it. मतलब जहाँ पे काटा है वहाँ जो निशान है वो याद में रखना है, नहीं तो हमें पेन से उस जगह पे मार्क करना है. मतलब जब हम डॉक्टर को बताएंगे तो सही से बता सकते हैं कि यहाँ पे काटा है सांप ने. अभी क्या करना नहीं है हमें, है ना. फर्स्ट एड तो देख लिया हमने, अभी हम देखेंगे आपको करना कौन कौन सी चीजें नहीं है, नहीं करना है. डोंट पिक अप द स्नेक और ट्राई टू ट्रैप इट. जिस सांप ने काटा है उस सांप को पकड़ने मत जाओ या मारने मत जाओ. सेकेंड है, डू नॉट वेट फॉर सिम्टम्स टू अपीयर, गेट इमीडिएट मेडिकल हेल्प. अगर आपको लगता है सांप ने काटा है, निशान है, तो इमीडिएटली मेडिकल हेल्प लेना है. वेट करना नहीं है कि कब सिम्टम्स दिखे, कब स्वेलिंग आए, कब ब्लीडिंग आए, नहीं, वेट करना नहीं है आपको. डू नॉट अप्लाई टॉर्निक्यूट. जिस जगह पे काटा है उस जगह को बहुत ज़्यादा टाइटली बांधना नहीं है हमें. देन डू नॉट स्लैश द ऊंड विद द नाइफ. मतलब जिस जगह पे काटा है उस जो वो जो ऊंड है, जख्म हुई है, उसको हमें निकालना नहीं है, है ना. डू नॉट ट्राई टू सक आउट द वेनम. जो हम मूवीज में देखते हैं ना सांप काटने के बाद फिर वो आदमी या हीरो जहर को मुंह से निकालता है, तो वैसे स्टंट हमें करने नहीं है, है ना. तो आप भी मर जाओगे वो जहर की वजह से. देन डू नॉट अप्लाई आइस. वहाँ पे आइस लगाना नहीं है, है ना. देन डू नॉट ड्रिंक अल्कोहल एज अ पेन किलर. मतलब हाँ बाबा अभी मैं दारू पीती हूँ तो उसकी वजह से मेरा पेन जो है, दर्द है, कम होगा. बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल करना नहीं है आपको. देन डू नॉट टेक पेन रिलीवर्स. मतलब जो पेन किलर से वो भी नहीं लेने हमें. डू नॉट अप्लाई इलेक्ट्रिकल शॉक और फोक थेरेपीज. मतलब जो इलेक्ट्रिकल शॉक है और जो पुराने थेरेपीज है, फोक थेरेपीज बोलते हैं उसको, तो वो भी हमें लेने नहीं है. करना क्या है हमें, मेडिकल हेल्प लेनी है. अभी मेडिकल हेल्प में, मेडिकल ट्रीटमेंट में क्या क्या आता है वो हम देखेंगे. मेडिकल ट्रीटमेंट डिवाइड होती है तीन फॉर्म में. पहले तो मेडिकेशन देते हैं, फिर सपोर्टिव केयर एंड देन डिवाइसेस. अभी इसमें क्या आता है वो देखेंगे. मेडिकेशन में आता है एंटी वेनम सीरम बोलते हैं उसको, एंटीबॉडी बोलते हैं, और इट इज़ ऑल्सो रेफर्ड एज एंटी वेनिन. ये मेडिकेशन देते हैं स्नेक बाइट में. अब ये है क्या, इट इज़ एन एंटीबॉडी थेरेपी दैट कैन डिसेबल द टॉक्सिन. मतलब ये एंटीबॉडी थेरेपी है, उससे क्या होता है, जो टॉक्सिन है सांप का जहर है वो डिसेबल होता है विद इन अ स्पेसिफिक वेनम इफ इंजेक्टेड क्विकली इन टू अ पेशेंट आफ्टर अ बाइट. मतलब अगर सांप काटने के बाद इमिडिएटली हमें ये देना चाहिए तभी इसका असर होता है. देन इट इज़ कम्पोज ऑफ एंटीबॉडीज एंड यूज टू ट्रीट सर्टन वेनमस बाइट्स एंड स्टिंग्स. ये एंटीबॉडीज से बना रहता है और ये सर्टन स्टिंग बाइट या स्नेक बाइट पे काम करता है एंटी वेनम. अभी इसके साइड इफेक्ट भी है, क्या क्या है वो देखेंगे. दे इंक्लूड सीरम सीकनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड एलर्जिक रिएक्शन इंक्लूडिंग एनाफिलैक्सिस. मतलब सीरम सीकनेस होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है, एंड एनाफिलैक्सिस मतलब एलर्जिक रिएक्शन आते हैं स्किन पे. तो ये है साइड इफेक्ट ऑफ एंटी वेनम. नेक्स्ट हम देखेंगे सपोर्टिव केयर में क्या. पहले तो मेडिकेशन दे दिया. सेकेंड है ऊन ड्रेसिंग करना है हमें इसमें. इट प्रोटेक्ट डैमेज स्किन एंड कंट्रोल ब्लीडिंग. मतलब बहुत ब्लीडिंग हो रही है तो उसको कंट्रोल करता है और जो स्किन है उसको डैमेज होने से रोकता है, प्रोटेक्ट करता है. देन आईवी फ्लूड देते हैं हम इस केस में, क्योंकि ब्लीडिंग होने से जो फ्लूड है हमारी बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट से वो कम हो जाते हैं, तो इसके वजह से हम आईवी फ्लूड भी देते हैं, इंट्रावेनस रूट से एडमिनिस्टर करते हैं फॉर रिहाइड्रेशन और टू प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स, बॉडी को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने के लिए. थर्ड आते हैं डिवाइसेस. डिवाइसेस में क्या आता है, इलास्टिक बैंडेजेस आते हैं. जहाँ पे ऊंड हुई है वहाँ पे हम अप्लाई करते हैं टू क्रिएट लोकलाइज प्रेशर. वो प्रेशर क्रिएट करता है उस जगह पे. इट रिड्यूसिंग द फ्लो ऑफ ब्लड टू पर्टिकुलर एरिया. मतलब ब्लड फ्लो जो है वो उस एरिया का कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है. और जो स्वेलिंग भी आई है वो भी क्या होती है, रिड्यूस होती है फॉर अप्लाइंग स्टेबल प्रेशर एट द प्लेस ऑफ इंजुरी. तो ये आते हैं डिवाइसेस में, इलास्टिक बैंडेजेस आते हैं. और ये विद द हेल्प ऑफ मेडिकल सुपरवाइजर ही हमको करना है या ट्रीटमेंट देना है हमें हॉस्पिटल में जाके. ये हमने देख लिया ट्रीटमेंट ऑफ स्नेक बाइट. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा, टाइप्स ऑफ स्नेक बाइट देखे, वेनमस एंड नॉन वेनमस. देन सिम्टम्स देखे स्नेक बाइट के, क्या क्या रहते हैं सिम्टम्स. एंड हमने फर्स्ट एड एंड ट्रीटमेंट देखा, है ना. डॉक्टर आने तक का फर्स्ट एड और डॉक्टर आने के बाद जो हॉस्पिटल में देते हैं ट्रीटमेंट.
तो आई होप ये शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया, समझ में आया, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, कमेंट में हमें बता दीजिए आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए।